संयुक्त किसान मोर्चा के मैंबर जी नौ मैंबरी कमेटी बनाई सी मैंबर जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उन्हों तो जानते हैं कि किस तरह देखते हैं इस फैसले को, संयुक्त किसान मोर्चा किस तरह देख रहे हैं इस फैसले को? देखो मैं एक जरूर कहूँगा कि सानू यकीन सी इस गल का, सानू भरोसा सी इस गल का कि जिमें जिमें पूरे भारत के अंदरों जो बाई इलैक्शन होए ने जिहो जे रिजल्ट आए सी और अगे पांच स्टेटा की इलैक्शन होने वाली सी और जिस तरह बीजेपी नूं डिफीट होंदी जा रही सी वो 100% सानू सीगा कि इहनूं झुकना पैना। ये लोगों के अंदोलन का लोगों ने जिस भावना नूं लैके लड़े ने उहदी एक जित है। प्रधानमंत्री के मूहों असीं इह कहा लिया कि मैं कानून वापस लैना और दूसरी जिहड़ी गल है कि असल भरोसा सानू उहदे जित उहदे होएगी, असल वधाई उहदे मिलेगी जिस दिन पार्लीमेंट दे विच साडा एक जिहड़े रिपील होंदे ने कानून उन्ना चेर मतलब इन्हां दीआं गल्लां इह वी होंदीआं है कि देखो जी इन्होंने यह कहा कि एक बार थोड़े याद होएगा कि असी जिहड़ा विदेशों के पिया काला धन लैके आवांगे हर परिवार के खाते च 15-15 लाख रुपया भेजांगे, इन्ना ही नहीं गल्लां होर बड़ी तरह के लारे लाए लोगों नूं पर किते भी वफा नहीं होए। पर जगजीत जी मुख्य मुद्दा तो खेती कानून का सी ना, उसनों लेके अनाउंसमेंट भी की है पीएम मोदी ने, नाल ही माफ़ी भी मंगी है, ये भी कहा कि विंटर सैशन के इसनों रद्द कर दिया जाएगा। चंगा किया माफ़ी मंग गए ने, चंगी गल है, उन्होंने हजे देर आई दुरुस्त आई वाली गल है। माफ़ी तो मंगनी पैनी सी उन्होंने, लोगों तो देश तो माफ़ी मंगनी पैनी सी जिस तरह का लोगों का प्रतिक्रम आ रहा है ना जी। ये एक कदे तो यह कहिंदे सीगे जी अंदोलन का मुठ्ठी भर लोगों का, तो जे अज पूरे देश दे विच्चों गोडी लगती नज़र आई है तो अज इन्हां नूं मतलब माफ़ी मंगनी भी याद आई है तो अज इन्हां नूं कानून मतलब रिपील करन दी भी गल करांगे। जगजीत जी क्योंकि तुसीं तां पंजाब दी राजनीति नूं भी बड़ी करीबी नाल समझदे हो, तुहानूं लगदा है कि पंजाब दी राजनीति च वी इस नाल बड़ा बदलाव जिहड़ा उह देखण नूं मिलेगा, क्रैडिट वॉर भी किते ना किते शुरू होवेगी? देखो मैं दसदा हां पंजाब दी राजनीति दे अंदर क्रैडिट वॉर किहनूं मिलना है जी, इह लोकां नूं मिलना है आ जिहड़े भुखे बैठे ने, ये उन्हां शहीदां नूं जाना है जिहड़ा साडा 6.5-7.5 किसान शहीद होया। अगर कोई मेरे अरगा लीडर कहे कि मैं करवाया नहीं, ये लोगों ने कराए, लोगों के अंदोलन ने कराए ने, जे मैं करवा सकता हुंदा तां असीं बन नहीं ना दिंदे, तो साडे वर्गियां की कोई इत्थे अहमियत नहीं ना, इत्थे किसी पोलीटिकल लीडर की अहमियत है। ये लोगों ने तकड़े होकर लड़े ने, लोगों ने लोग जज्बे नाल लड़े है और साडे विदेशों च बैठे जिहड़े लोग है उन्होंने किन्नी सपोर्ट की है जी अंदोलन नूं, उन्होंने इतों तिकर बेचारा झलना पिया, पिछे वो धालीवाल साहब आपके परिवार च आ रहा है आपकी भतीजी की शादी से, उन्होंने इन्होंने वापस मोड़ता, उन्होंने बड़ी बेटी की शादी च नहीं शामिल होने दिता, उन्होंने सजावं भुगतियां बेचारे ने, यह उन्होंने सल्यूट है, ये बधाई उन्होंने बनती है, ये क्रेडिट उन्होंने लोगों को जाता है। कदों मीटिंग कर रहे हो, अज कोई मीटिंग का सद्दा जो दिता गया, कह रहे हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा अज मीटिंग करेगा, प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान को लेकर चर्चा जी की जाएगी, तो अगला रुख की रहेगा किसानों का उसको लेके अज फैसला लिया जाएगा? देखो मैं पहला भी ये गल स्टैंड सी मेरा कि जो आ रही सी खबर अजी आ रही सी जी एक कानून रिपील हो सकता है, दो रिपील हो सकते हैं, एक दे कमेटी बन सकती है, शायद तुसी उन्हां दिनां दे विच मेरियां बाइट्स मेरियां इंटरव्यू मेरियां आप दियां पाईयां वीडियो जां स्टेज तो बोलिया मेरा सुन लिया होवे। मैं क्लीयर कट ये कही सी कि जिन्ना चिर तिन्ने कानून रद्द नहीं होंदे सिद्धूपुर जथेबंदी नहीं हटेगी, असीं उत्थे बैठांगे, अगर सरकार साढ़े गोलियां मार दी तो गोलियां भी खावांगे। और मैं बेनती करा साडा अज एड्डी छेती कुछ भी कहना कोई गल नहीं है, उन्होंने अनाउंसमेंट ही की है, सानू एड्डी की कॉल है, असीं बैठांगे मीटिंग करांगे। MSP ते की करदे ने, लोड़ वड्डी मंग MSP दी है जी, साडी कणक ते झोने ते MSP मिलदी है, आ मक्की की खेती करन वाले लोग बेचारे रुलदे है, 1840 रुपये मक्की का रेट है और किसानों नूं मिल रहा 600 रुपया, ये किसानी नहीं, ये भी साडा हिस्सा ने, ये भी अंदोलन च बैठे है, इन्हां वास्ते MSP की लड़ाई अजे जारी है। यानी कि हाले लड़ाई जिहड़ी है वह जारी रहेगी, इन्हां वल्लों साफ तौर पर कहा गया है। असीं अमृता टोल प्लाजा से खड़े हाँ, तो एक परिवार ना भी मिलाने, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सी, 60 साल के जिहड़े इंदर जी ने वह साइकिल से गए सीगे अपने पोते दे नाल ते बेटे दे नाल, बेटे ते दमाद दे नाल गए सीगे ते किसान मोर्चे दे विच शामिल होए सीगे। अज किन्ना खुशी का दिन है, किन्ना वड्डा दिन है, गुरु नानक साहब दे अज पुरब ते प्रधानमंत्री जी वालों यह इदा दा डिसीजन लैके जो ये तिने कानून रद्द किए ने, उन्होंने
सारिया जई जई भावनावां दा ख्याल रखदे होए और ये सिख जगत च ही नहीं सारे देश दे किसानां लई, क्योंकि गुरु नानक साहब ने पिछली उम्र दे विच आके किरत कीती सी, किसानी कीती सी, ते नाले अज ओह लांघा चालू होया है। ते इह इक कह लो कि दुनिया दे विच इक विलखण शख्सीयत सी साडे गुरु नानक साहब जी, ते उहनां दे अज दिन ते प्रधानमंत्री दा वी इह लगदा है कि उहनां दा टुट विश्वास है। ते मैं कहना है, जित्थों तक मैं अपने दिल तों गल कर रहा है, कि ओह जिहड़े है अंदर तों सिख ने किते ना किते ओह जिहड़े दसदे ने कि ओह पंजाब च बहुत रहे ने। सो जी इह जे इक दूजी गल, उहनां भरावां दी प्राप्ति है इक बहुत वड्डी साडे किसानां दी, ओह जिहड़े किसान साडे शहीद हो गए। ते मेरा भरा हाकम सिंह जी जिहड़े हाले मेरे पिंड तों ने ते असमानपुर तों, जिहड़े उसे दिन तों उत्थे बैठे ने, ओह जे होर बहुत सारे जिहड़े साडे उत्थे भरा बैठे ने किसान, ते उहनां दी इक बहुत वड्डी प्राप्ति है कि असीं भी उहनां दा सन्मान करांगे। ते सिख जथेबंदियां दे लीडर ते सारिआं लई बहुत इह खुशी दी गल है। बहुत वड्डा दिन है, ते नाल ही साल भर हो गया, 25 नवंबर नूं पूरा एक साल हो जाएगा जदों किसान जिहड़े ने ओह दिल्ली दी बरूहा ते बैठे ने। पर इस दे नाल ही इन्हां किसानां नूं वी असीं इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पूरा साथ जिहड़ा इन्हां वल्लों दित्ता गया। जिस तरह इंदर जी दी गल दस रहे हां, साइकल रैलियां कई उन्हां वल्लों कढ़ियां गईआं, 26 तरीक नूं इक वार फिर तो ओह साइकल लैके जिहड़े है दिल्ली लई रवाना हो रहे ने। ते इही मंग कीती जा रही है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।